नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी कागजों पर घोषणा कर लोगों को गुमराह कर रही है। व्यवस्था के नाम पर सिर्फ खानापूरी किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि देश के अन्य राज्यों ने अपने प्रवासी मजदूरों को, छात्र छात्राओं को लाने में सफल रही है, लेकिन बिहार सरकार इस मामले में पूरी तरह से अपने लोगों को बेसहारा छोड़ दिया है। बिहारियों को जो बाहर हैं, मजदूर हैं, छात्र हैं, छात्र, उनको भी सहारा छोड़ दिया गया है। आपको याद होगा कि पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था, शुरुआती दौर में बिहार सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, जिसको मैंने दिखाया था आपको कि तमाम हेल्पलाइन नंबर बंद है, चारों तरफ से फोन आ रहे थे। फिर तेजस्वी जी आ गया और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को लगाया, अपने लोगों से बात करके अन्य राज्यों में बिहारियों को हर तरह के राशन और उनकी जरूरियात मुहैया कराने का काम किया। और जब लगातार तेजस्वी जी अड़े रहे जिद पर कि नहीं, हमारे बिहारियों को वापस लाया जाए, लेकिन बिहार सरकार 40 दिन से लगातार बहाना बनाती रही, उनको नहीं लाने के बयानात देते रहे, तरह तरह के बहाना बनाती रही, लेकिन तेजस्वी जी के जिद के आगे लोग, सरकार को झुकना पड़ा। झुकने के बाद अब क्या है कि इन्होंने नोडल अफसर बनाया। नोडल अफसर क्या कर रहा है, सारे नोडल अफसर का मोबाइल बंद है, या तो वो नंबर फर्जी है, या सब लोग अपने अपने नंबर को बंद किए हुए हैं। अब पूरे बिहार से पुनः सब लोगों का फोन आ रहा है। आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से इन लोगों ने बंद कर रखा है। चारों तरफ से फोन आ रहा है लोगों का कि हम लोग क्या करें, जाने के लिए परेशान हैं, लोग भूखे हैं। ये देखिए, ये देखिए, यही हाल सभी नंबर का है। या तो नंबर स्विच ऑफ मिलेंगे, या उसमें लगा दिया गया है कि बिजी बिजी, किसी भी एक आदमी से कोई बात नहीं हो पा रही है। सारे लोग परेशान हैं, लोगों के पास राशन नहीं है। पूरे देश में मैक्सिमम स्टेट में, मैक्सिमम राज्य में केंद्र सरकार मतलब बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी के जदयू की सरकार है, तो वहां जो बिहार के लोग हैं, भाजपा क्यों नहीं उनको राशन मुहैया करा रही है, क्यों नहीं उनको उनके उनके लाने की व्यवस्था की जा रही है, क्यों तेजस्वी जी की मांग को इस तरह से अनसुना किया जा रहा है। एक तरफ कह रहे हैं कि मैं लाऊंगा, दूसरी तरफ तेजस्वी जी ने बस दिया है, आप बस लीजिए, 2000 बस दिया, शर्माइए मत, शर्म मत कीजिए, बस लीजिए, जाके हमारे बिहारियों को लाइए। इसलिए हम फिर आपसे निवेदन करते नीतीश जी, बिहारियों को बेसहारा मत छोड़िए। तेजस्वी यादव जी, लालू जी, हम पूरी पार्टी लगातार उनकी मदद कर रही है,